Good morning, students. I am Ashutosh and you are welcome to my online chemistry classes. बच्चों, आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम लोग एक प्रश्न जानते हैं इससे संबंधित. वो है कि मोमबत्ती का जलना कैसे अभिक्रिया है. इसमें क्या होता है, मोमबत्ती में आपका दोनों तरह का वो फिजिकल एंड केमिकल, मतलब भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है. कैसे सो समझते हैं हम लोग. सवाल है कि मोमबत्ती का जलना कैसे अभिक्रिया है, तो जवाब होगा कि मोमबत्ती का जलना दोनों तरह की अभिक्रिया, ये दोनों तरह का परिवर्तन है. मोमबत्ती का जलना में दोनों तरह का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी. जब मोमबत्ती का मोम जो वैक्स है वह पिघल करके द्रव अवस्था में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, वो भौतिक परिवर्तन हो रहा है. जबकि मोमबत्ती का जो बत्ती है वो जल रहा है, जो गर्म है, जो काला पड़ जा रहा है, वो हिस्सा उसमें टेम्परेचर बदल रहा है, तापमान बदल रहा है ना, और कालिख पड़ जा रही है, फिर उसमें लाइट भी आ रही है, उसमें ऊष्मा भी पैदा हो रही है, हीट भी पैदा हो रही है. इसका मतलब कि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है. तो मोमबत्ती की बत्ती का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती के मोम का पिघलना और द्रव बन जाना वह फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है. ठीक है बच्चों, तो ये मोमबत्ती का जलना पर क्वेश्चन आता है, तो इससे संबंधित आप यही बात लिखेंगे. तो चलिए, दूसरा हम लोग जानते हैं एक यौगिक है, उसका नाम पहले कैसे फॉर्मूला याद रहेगा सो हम लोग सीख लेते हैं. आपने देखो बच्चों, अभी जो मैंने सिखाया उसमें फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताएं क्या होगा. FeO लोहा का प्लस टू ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन का माइनस टू. ओके, आगे चलते हैं. फेरिक ऑक्साइड, तो FeO लिख दिया, इसका प्लस टू और इसका होता है इसका प्लस थ्री और इसका होता है माइनस टू. तो इस ऑक्सीजन का इसमें आ जाएगा और इसका इसमें आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3. अब हमें पता करना है फेरसो फेरिक ऑक्साइड, इसका जानना है, क्योंकि अभी आगे चैप्टर में इसका जिक्र है, इसलिए इसको जानना जरूरी है. फेरसो फेरिक ऑक्साइड कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा. फेरस फेरिक दोनों मिक्स है इसमें, इसलिए कैसे होगा ये आप चले. ऑक्सीजन एक परमाणु, ऑक्सीजन तीन परमाणु, तो दोनों को जोड़ दें तो ऑक्सीजन हो जाएंगे चार परमाणु. ठीक है, यहाँ आयरन मतलब लोहा एक परमाणु, यहाँ लोहा दो परमाणु, तो लोहे के टो कुल हो गए F3, लोहे के तीन परमाणु और ऑक्सीजन के चार परमाणु. तो फेरसो फेरिक ऑक्साइड का जो यौगिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला होगा, रासायनिक सूत्र, वो आपका होगा Fe3O4, क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी है, दोनों का ये मिश्रण है, इसलिए फेरसो फेरिक ऑक्साइड का Fe3O4. समझ गए बच्चों कैसे बनेगा. चलिए इसको, इसके पहले हम लोग और कुछ जानते हैं. ये देखें, ये है एक सवाल आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है. टेंथ बोर्ड में एक एग्जाम आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है. तो इसमें दो चीज़ों का पालन होता है. देखो बच्चों,
यदि मैं लिखूं हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब जल बनता है, पानी वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन यहाँ दो, यह हाइड्रोजन दो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए हमने बैलेंस कर दिया, तो ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो दो दुना चार हो गया, तो यहाँ हमें फिर दो से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब ये हुआ बैलेंस। तो आप यहाँ देखें संतुलित रासायनिक समीकरण का पहला महत्व कि संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन होता है। द्रव्यमान का संरक्षण मतलब दोनों तरफ, इधर है रिएक्टेंट्स और इधर है प्रोडक्ट, मतलब इधर है आपका अभिकारक और इधर है आपका उत्पाद, तो दोनों तरफ मतलब दोनों दिशाओं में बाएं और दाएं दोनों तरफ जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। द्रव्यमान क्या होती है, हर परमाणु का अपना द्रव्यमान होता है, तो इधर का टोटल जोड़ेंगे और इधर का टोटल जोड़ेंगे तो बराबर होगा। कैसे, आप देखें ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 2, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 है इसलिए 2 हुआ, 2 प्लस 16 बराबर हो गया 18, और ये दुगना है मतलब इसको कर देंगे दुगना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और इधर भी देखें यहाँ कितना है, इधर चेक करते हैं, ये आपका तो ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ है दो गुना, तो 16 गुना 2 बराबर हो जाएगा 32, ये आपका हो गया 32 और 32, और ये हाइड्रोजन का एक होता है तो यहाँ दो गुना है और फिर इधर दो गुना, तो टोटल 4, तो 32 और 4 टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया 36। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ जो परमाणुओं का द्रव्यमान है, मास है, वो इक्वल है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ये पहला इम्पोर्टेंस है। दूसरा एक संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ मतलब अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। आप इसी को एग्जांपल लें या फिर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे है Mg+O2, इसको हम गर्म करते हैं तो बन जाता है MgO, बैलेंस करेंगे तो ये हो गया बैलेंस। आप देखें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में परमाणु की संख्या बराबर होती है। कैसे, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ओके, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर मैग्नीशियम के 2 परमाणु, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु, तो दो नियमों का पालन होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में। एक है कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान का संरक्षण का नियम का, और दूसरा है परमाणुओं के बराबर संख्या का, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल थे, इसमें भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 दुना 4 और यहाँ भी 4, तो दोनों तरफ आप देखें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल और बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि अभी जो हमने पढ़ा सीखा फेरोसोफेरिक ऑक्साइड वह बनता कैसे है, चलिए देखते हैं होता क्या है कि जब गर्म लोहा या फिर चल यदि गर्म लोहा गर्म है तब तो पानी ठंडा लेना पड़ेगा, ठीक है, और यदि लोहा चलिए सॉलिड होता है ऐसे लिख दिया मैंने, इस पर जब पानी का भाप वो गैस होगा, चलिए जी लिख दिया, जब गिराया जाता है, ठीक है, तो एक आवाज़ होगी फस, ऐसे होती है ना, तो क्या बनेगा फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, और गैस निकलती है वो है आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो ये गैस अवस्था में होगा और ये तो सॉलिड का सॉलिड है। यदि लोहा गर्म रहता है तो आप ठंडा पानी भी डालेंगे तो वही चीज़ होगा, एकदम पूरा खींच लेगा पानी और गैस निकले। तो यदि कोई पूछे कि जब गर्म लोहे पर पानी फेंका जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो उत्तर क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये था कि लोहा पर जब गर्म पानी फेंका जाता है तो कौन सी गैस बनती है और कौन सा यौगिक बनता है। यौगिक जो है वो बनता है मुख्य यौगिक वो है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड।
याद कैसे रखेंगे और बना कैसे, ये मैं बता चुका हूँ। और ये हाइड्रोजन कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और आवाज़ कैसी होती है, कैसी होती है, पट पट ये आवाज़ आएगी जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो, ठीक है। यहाँ है अब सवाल कि इसको बैलेंस कैसे करना है, उसी बैलेंस के नियम को हम लोगों को जानना है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले इसमें बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। यदि इसे हम हटा दें तब बॉक्स बनाने में सुविधा होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने बॉक्स बना दिया बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि इस बाएं साइड में कौन कौन सा परमाणु कितना है। लोहा इधर कितना है, एक। हाइड्रोजन कितना है, दो। ऑक्सीजन कितना है इधर, एक। और इधर लोहा कितना है, तीन। इधर ऑक्सीजन कितना है, चार। इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जिस जो जो परमाणु सबसे अधिक है कौन सा है, जैसे सबसे अधिक देखेंगे तो ये फोर है ना, ये फोर है सबसे ज़्यादा, ठीक। तो ये फोर सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उसी पर अटैक करेंगे बराबर करने के लिए। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा फोर इधर है और इधर एक ही है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चार से गुणा करना पड़ेगा, तब तो चार यहाँ ऑक्सीजन बराबर हो गया, क्लियर। उसके बाद है कि इस चार को यहाँ लिखने के कारण हाइड्रोजन पर असर पड़ गया, मतलब वो ज़्यादा बढ़ गया। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन इसके कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गया, जो पहले दो था अब हो गया दो चौका आठ, आठ हाइड्रोजन इधर हो गया और इधर दो ही है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे चार, ठीक है बच्चों। ये चार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले देखा कौन सा सबसे ज़्यादा, उसको मैंने बैलेंस किया, उसको बैलेंस करने के कारण दूसरा चीज़ बढ़ गया, उसके कारण फिर उसको भी बैलेंस करना पड़ा, ओके। इतना जब हो गया, ये जब बढ़, ये ऑक्सीजन बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, अब बाकी क्या चीज़ है, अब बाकी है इधर लोहा, वो भी है ज़्यादा, थ्री है इधर, इधर कितना है, दो ही, एक ही है, तो इसको हम लोग फिर बैलेंस कर देंगे, थ्री कर दिया। अब इतना करने के बाद तो ये पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपने संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को या फिर रासायनिक अभिक्रिया को, ये आपने सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कुछ और जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे बैलेंस, हाइड्रोजन इधर कितना, दो, और इधर हाइड्रोजन एक, तो इसको बैलेंस कर दो। तो इसको बैलेंस करने के कारण इधर क्लोरीन दो, तो इधर भी क्लोरीन दो, बैलेंस हो गया। दूसरा जो है एक्सरसाइज है वो आपका बुक में दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड। ये मत पूछें कि बेरियम क्लोराइड का BaCl2 कैसे हुआ, इसके लिए आप वीडियो देखें पुराना जो मैंने बताया है फार्मूला दिखाने का। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है एल्युमिनियम सल्फेट से, ये मत पूछें कि एल्युमिनियम सल्फेट का ये क्यों बना, वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसे आप देखें, तो ये क्या बनेगा, तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में होता है, ये माइनस होता है, तो इस प्लस वाला इस माइनस में जाएगा, इस माइनस वाला इस प्लस में जाएगा, लेकिन प्लस पहले लिखाता है, ठीक है। तो बेरियम माइनस में जाएगा तो हो जाएगा बेरियम सल्फेट, ओके। बेरियम का प्लस टू होता है तो इसका भी माइनस टू होता है, दोनों बराबर हैं। और क्या ये एल्युमिनियम इस माइनस पर जाएगा, ठीक है, ये इस पर जाएगा और ये इस पर जाएगा, तो बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होता है, ये क्यों होता है फॉर्मूला, ये देखने के लिए आप फिर वही बोलूँगा कि आप पुरानी वीडियो देखें, बिना उसके ये बनने वाला नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखाया था। ये हो गया, अब हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है।
इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा चीज़ है SO4 3 है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे, इधर 3 है SO4 और इधर 2 ही एक ही है, तो इसको हमने कर दिया 3। ठीक है, अब ये 3 कर दिया, सल्फेट तो बराबर हो गया लेकिन बेरियम जो है वो 3 बढ़ गया, तो उसके चलते यहाँ भी हम लोगों को 3 लिखना पड़ेगा तब ये बेरियम बराबर होगा। बेरियम तो बराबर हो गया लेकिन क्लोरीन जो है वो जो पहले 2 था अब हो गया यहाँ 3 × 2 = 6 क्लोरीन हो गया और उधर 2 ही क्लोरीन है, तो क्या करेंगे 2 से गुना करना पड़ेगा तब ये बैलेंस हो जाएगा, 2 × 3 = 6। क्लियर, अब सारा चीज़ बराबर है, जो अंतिम वाला है वो ऑटोमेटिक अपना बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा, यदि हम सोडियम की अभिक्रिया पानी से कराएंगे, पानी में रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा वो जलेगा तो क्या बनेगा, बोलो बच्चों क्या बनेगा, तो ये जो है सोडियम का यहाँ पे बनेगा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है बच्चों, वो दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज में यह दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन बनाना है, वहाँ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट से करेंगे तो फलना चीज़ बनेगा, सोडियम को जल से अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा, वो दिया हुआ है, आपको सिर्फ बैलेंस करना है। आप देखें इधर हाइड्रोजन 2 और 1 3 इधर इधर आपका 2 है ना, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लोगों को यहाँ से चलिए 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए 2 से गुना कर दिया, ओके, तो यहाँ हो गया 4 हाइड्रोजन और इधर 2 ही, तो इसको भी कर देते हैं 2 से, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 2 और ये 2 4। क्लियर, अब ऑक्सीजन इधर 2 इधर भी ऑक्सीजन 2, यहाँ सोडियम 2 यहाँ 1, तो चलो इसको बराबर कर देते हैं, ये हो गया। अगला दिया हुआ है कि जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसकी अभिक्रिया, मतलब ये हाँ इसकी अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट से कराते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ दिया हुआ है क्या बनेगा, वहाँ बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, और बनेगा सोडियम क्लोराइड, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा इधर है सोडियम में और क्लोरीन में है, तो उसको बैलेंस करेंगे, इधर Na2 है उधर Na1 ही है, तो चलिए बैलेंस कर दिया, Cl2 है इधर Cl2 हो गया बराबर, सल्फेट 1 है इस पर और उस पर SO4 1, इधर बेरियम 1 उधर बेरियम 1 ही है। ठीक है, ये हो गया बराबर। अगला जो लिखा हुआ है वहाँ पर उसका समीकरण बनाना है, वो आपका 5वां नंबर है, वो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये द्रव अवस्था में होता है, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से करते हैं तो वहाँ क्या बनेगा, वहाँ लिखा हुआ है कि बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा, तो ये और खुद ब खुद बैलेंस है। यदि कोई सवाल पूछे, यदि कोई हाँ एग्ज़ाम में पूछे कि ये नीचे क्या बताता है, ये नीचे में जो है ये क्या बताता है, तो जवाब होगा कि नीचे में जो ये लिखते हैं L लिक्विड मैंने द्रव, ये द्रव ये पदार्थ की या ये यौगिक की अवस्था बताता है, मैंने कौन सी अवस्था है, ठोस है द्रव है या गैस है, ओके। तो चलो अगला दिया हुआ है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस होती है आप जानते हैं, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से होती है, ये भी गैस होती है, तो क्या बनेगा, वहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्पेशल इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका 340 एटमॉस्फेयर जो वायुदाब हवा का प्रेशर जो है वो होना चाहिए इतना, तो ये बन जाता है आपका मिथाइल क्लोराइड में या मिथेनॉल में बदल जाता है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखते हैं CH3 यहाँ H2 ये 3 1 4 हाइड्रोजन 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिया, ठीक है, हो गया बराबर, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 बराबर हो गया। अगला देखते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ये जलीय अवस्था में उसकी अभिक्रिया
जल से किया जाता है, और यहाँ पे आपका सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट में। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो बनता है आपका ऑक्सीजन और प्लस फिर वाटर बनता है, और ग्लूकोज तो आपका बनता ही बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था बच्चों अभिक्रिया कुछ, जो कि आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ था। यहाँ ग्लूकोज हम लोग ग्लूकोज में C6H12O6 ये हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ, और धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।